अंदर जो है पूरी सनमाइका शीट्स का यूज़ किया जाएगा। पीछे जो देख सकते हो आप ट्रला डिज़ाइन, और हर गाड़ी का काम जो है डिमांड के ऊपर ही होता है, जैसा भी कस्टमर को जो है कस्टमाइजेशन करनी है। अभी जो है हमारे पास जो है शोगले लैंड की बन रही है गाड़ी, टाटा की जो है बुकिंग हो चुकी है, और 5-6 गाड़ियाँ जो है 14 चक्का और 16 चक्का गाड़ियाँ बनेगी हमारे पास। 6 चक्का और 10 चक्का गाड़ी की जो है बुकिंग अभी बंद है, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शोगले लैंड की और टाटा की गाड़ियाँ ही हमारे पास जो है बुकिंग हो रही है। और टैंकर जो है, एक टैंकर जो है गाड़ी बन चुकी है, उसका जो है फुल रिव्यू आपके सामने कर देते हैं। उसके बाद जो है एक 42-23 गाड़ी जो है BS4 गाड़ी में जो वेरियंट आया था उसका भी टैंकर बना हुआ है, और वो भी अभी काम चल रहा है, उसका भी जो है फुल रिव्यू आपके सामने आएगा। पूरी मेहनत और बारीकी के साथ जो है हर गाड़ी का मॉडल बनाया जाता है, और यहाँ पर लिफ्टर एक्सल में जो है डबल टायर दिया होता है, और 42-25 में जो है गाड़ी में जो है यहाँ पर लिफ्ट एक्सल में जो है एक टायर ही होता है, और यहाँ पर जो 48-25 गाड़ी है शोगले लैंड की उसमें जो है डबल है, और टाटा की में 48-25 में जो भी वो डबल टायर यहाँ पर लिफ्ट होता है, और 42-25 जो है गाड़ी टाटा की उसमें जो है यहाँ पर जो है एक टायर ही उड़ता है, मीन के एक साइड में एक टायर और दूसरी साइड में एक टायर, दो टायर ही उड़ते हैं, और इसमें जो है 4 टायर उड़ जाते हैं। और एक जो गाड़ी इन्होंने निकाली हुई थी शोगले लैंड के ने 4420, एक 4420 है, एक 4420 है 4120, और उस गाड़ी में जो है यहाँ पर एक एक्सल ही है, और ये एक्सल निकाल दिया है और उसको 14 चक्का कर दिया है, और यहाँ पर जो है काफ़ी स्पेस रह जाती है गाड़ी में, और ये यहाँ यहाँ पर जो है 4 टायर उठते हैं, और ये मेन एक्सल आया था, उसके पीछे जो है डमी एक्सल आ जाता है, और वैसी जो है मॉडल 14 चक्का गाड़ी शोगले लैंड ने निकाली है। लेकिन वो कई ड्राइवर भाई साहब बोल रहे हैं कि ये कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैपिंग आ जाती है और सारा वजन जो है एक ही एक्सल पे बढ़ जाता है सारा। वो मॉडल थोड़ा सा डाउट है, और इस गाड़ी में जो है ज़्यादा गैपिंग नहीं रहती है, पूरा मैनेज होके जो है सारी गाड़ी चलती है। यहाँ पर भी आ सकते हो, ज़्यादा गैप नहीं है, डीजल टैंक में भी ज़्यादा गैप नहीं है, पीछे की तरफ जो है ज़्यादा गैप नहीं है, और उसके पीछे जो है 30 फीट वेरिएंट का जो है ये गाड़ी बन रहा है, और ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है। अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जो है गाड़ियाँ लंबी की जा रही है, और वो ज़्यादा लंबी गाड़ी होगी और पीछे से डमी एक्सल के जो है सारे टायर खाएगी, क्योंकि ज़्यादा वजन, अगर तो अंडरलोड में चलेगी फिर तो ज़्यादा गाड़ी जो है लंबी करने का फायदा है, ओवरलोड चला दी तो बेकार है गाड़ी। और ये जो बॉडी बन रही है अंडरलोड में बन रही है, टूल जो है वो तिरछा जो है ज़्यादा नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर गाड़ी का जो है पावदान देख सकते हो, और ये इंडिकेटर जो है बहुत मुश्किल के साथ बनी है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जैसे हो बड़ी मुश्किल से जो है ये इंडिकेटर बनाए गए हैं, लाइट्स ऑन है, बम्पर पट्टी लगेगी, यहाँ पर खंडे वगैरह लगाए जाएंगे, शीशों का काम बाकी है अभी, शोगले लैंड की बैजिंग लगेगी यहाँ पर, करते हैं इस गाड़ी का फुल रिव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।